नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा के केस की। तुनिशा शर्मा के केस में लगातार हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त अगर बात करें तो आपको बता दें कि शजान खान को जेल से राहत मिल चुकी है। फाइनली शजान खान को कोर्ट ने बेल देने का फैसला सुनाया, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि जल्द ही तुनिशा शर्मा का परिवार शजान खान की जमानत को लेकर वसई कोर्ट के फैसले पर चैलेंज करने वाला है। जी हां, आपको बता दें कि तुनिशा शर्मा के वकील तरुण शर्मा ने पहले ही ये दावा किया था कि वो जल्द ही कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल करेंगे। और अब ऐसे में ये माना जा रहा है कि तुनिशा शर्मा के वकील शजान खान के खिलाफ तुनिशा के बॉयफ्रेंड अली को कोर्ट में पेश कर सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि अली वही शख्स है जिसे तुनिशा शर्मा ने अपने निधन से 15 मिनट पहले वीडियो कॉल किया था। ऐसे में अली इस केस में सबसे बड़ा विटनेस माना जा रहा है। अगर वाकई में अली 15 मिनट को लेकर कोई ऐसा खुलासा कर देता है जो शजान से जुड़ा हुआ हो तो शजान की जमानत को खारिज किया जा सकता है। हालांकि शजान को जमानत भी कोर्ट ने कई शर्तों पर दी है और ऐसे में तुनिशा के बॉयफ्रेंड अली का एक स्टेटमेंट शजान खान के लिए और ज्यादा मुश्किलें बढ़ा सकता है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार तुनिशा शर्मा के वकील तरुण शर्मा कोर्ट के फैसले के लिए आखिरकार बॉम्बे हाईकोर्ट में कब याचिका दाखिल करते हैं। फिलहाल के लिए इस खास खबर पर इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट के लिए देखते रहें नेक्स्ट नाइन लाइफ।